विधायक मलिंगा पहुंचे सामान्य अस्पताल, बाड़ी से खास खबर। बाड़ी अस्पताल में अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिलने पर देर रात्रि विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पहुंचे अस्पताल तथा किया औचक निरीक्षण। रात्रिकालीन ड्यूटी के समय सीएमएचओ द्वारा भेजी गई दवा, ऑक्सीजन और अतिरिक्त स्टाफ का लिया जायजा। बढ़ती रोगियों से पूछा चिकित्सा सेवाओं की स्थिति के बारे में। कोरोना रोगियों को निःशुल्क चाय वितरण के पीएमओ को दिए निर्देश। विधायक ने कहा कि अब एक भी रोगी नहीं होगा बाड़ी से रेफर। अव्वल दर्जे के अस्पतालों में गिनती होनी चाहिए बड़ी अस्पताल की। वह स्वयं नियमित जायजा लेंगे चिकित्सा सेवाओं का। स्थानीय विधायक मलिंगा ने बताया कि न तो बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में कोरोना मरीजों के लिए आवश्यक इंजेक्शन है और न ही ऑक्सीजन की भी पर्याप्त उपलब्धता। ऐसे में लगातार बढ़ रहे मरीजों को लेकर चिकित्सालय प्रशासन चिंतित है और उनके क्षेत्र में जिले के दूसरे बड़े सामान्य चिकित्सालय की बदहाल हालत अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। विधायक ने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सालय में कोई भी व्यवस्था नहीं है। विधायक ने फोन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को हिदायत दी है कि 24 घंटे के अंदर बाड़ी के अस्पताल में ऑक्सीजन एवं इंजेक्शन की पूरी व्यवस्था हो जानी चाहिए। हॉस्पिटल को देखा है, इंजेक्शन जीरो, ऑक्सीजन मात्र आज के दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। इससे मैं कोई संतुष्ट होकर नहीं जा रही हूँ, असंतुष्ट ही होकर नहीं जा रहा हूँ। कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। आज बात करी है, मैं जानता हूँ कि अगर कल तक व्यवस्था सब ठीक हो जानी चाहिए। अभी व्यवस्था यहाँ पर कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये तो एकदम तारीफ कर दूँ इनकी कि यहाँ पर सारी व्यवस्था अच्छी चल रही है, ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। जितने मरीज है वो बाड़ी के आस पास के बसड़ी सर मथुरा के, वो सभी ज़्यादातर जिले पर जा रहे हैं और जिले पर इतना लोड बढ़ चुका है कि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। पर पूरे जिले का अगर एक ही हॉस्पिटल में हम लोड पड़ गए तो वहाँ नहीं व्यवस्था होगी। जो बाड़ी बीच का केंद्र है जहाँ पर अगर मरीज रुकेंगे तो वहाँ पर जिले पर लोड कम पड़ेगा। यहाँ से जो डिमांड भेजी जाती है धौलपुर के लिए सीएमएचओ ऑफिस में, वो डिमांड पूरी नहीं होती है। कई कई बार डिमांड ये भेजते हैं, जो सामान है वो पूरा नहीं मिल पाता। इसको लेकर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? वो डिमांड हम कोशिश करेंगे पूरी कराने की। और फिर बकाए हम जानते हैं कि हमें कैसे अपने डिमांड वाली जो पूरी करनी है वो हम कराई लेंगे। दुकान में बंद मां बेटी को जिला पुलिस अधीक्षक ने सकुशल बाहर निकाला। सैंपू से खास खबर। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत की संवेदनशीलता से 2-3 घंटों से दुकान में बंद मां बेटी को सकुशल बाहर निकाला। दुकानदार निर्धारित समय सुबह 11 बजे के बाद दुकानदारी करते समय पुलिस के भय से दुकान में ताला लगाकर भाग गया था, लेकिन दुकान में खरीदारी करने आई माँ बेटी दुकान में बंद रह गई। इस दौरान दुकान के अंदर माँ बेटी चीखती पुकारती रही। इसी दौरान इत्तफाक से पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत का काफिला निरीक्षण करने के लिए निकला। दुकान के अंदर से मदद के लिए महिलाओं की गुहार सुनकर पुलिस अधीक्षक ने निर्देश पर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर मां बेटी काफी नाजुक स्थिति में सकुशल बाहर निकाला। दुकानदार पुलिस के दबाव को देख दुकान को बंद कर फरार हो गया था। इसके बाद मौके पर SDM रामकिशोर मीणा, CO विजय कुमार को बुलाया गया और इस दौरान दुकानदार भी मौके पर पहुंच गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महिला मंजू देवी एवं उसकी पुत्री कृष्णा को घर भेज दिया गया। आरोपी दुकानदार बनवारी पुत्र रतिराम निवासी पिपहेरा, हाल दुकानदार सैंपो के खिलाफ राजस्थान महामारी अध्यादेश अधिनियम का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज किया गया। अभी बसड़ी की तरफ जा रहे थे, सकौ से जब गुजर रहे थे तो एक लड़के ने कहा कि इस दुकान में 2 औरतें हैं जो 11:30-12 बजे से बंद है। ये अनाधिकृत तौर पे दुकान खुली थी और जब पुलिस का मूवमेंट हुआ तो दुकानदार ने शटर डाउन करके और इसको बंद करके भाग गया। इसके बाद पता लगा कि अंदर 2 औरतें बंद हैं। कोशिश की गई उसको दुकानदार को सर्च करने की तो वो मिला नहीं। उसके बाद ताला तोड़ा और दुकानदार को भी इसी दौरान उसके मोबाइल नंबर मिले तो बुलाया उसको। दुकान खोलने पे अंदर 2 औरतें, एक लड़की और एक उसकी बहन बंदी थी जो करीब 2.5-3 घंटे से अंदर बंद थी, रो रही थी। राहगीरों को इससे उनके रोने की आवाज़ से पता लगा। इस संबंध में SDM को भी मौके पर बुलाया, डिप्टी SP को बुलाया और कार्रवाई के निर्देश दिए। तेज बोलो थोड़ा। मंजू, ये कब से बंद है दुकान में? कितने टाइम से बंद कर गया था दुकानदार? तो फिर कैसे बंद किया आपको इसमें दुकान में? कपड़ा ले रहे हम हैं, पुलिस आ गई थी, बंद कर दी। बाहर से ताला लगा के चला गया।
कितने घंटे से आपस में बंद थे? 12 बजे बंद है, ऑफिसर काम है को। आपने किसी को सूचना दी? कंचनपुर पुलिस का मानवीय चेहरा, बुजुर्गों को बांटे मास्क। कंचनपुर से खास खबर। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में कंचनपुर थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा पुलिस पार्टी के साथ लगातार क्षेत्र का गश्त कर रहे हैं। वहां बुजुर्गों को मास्क वितरित कर घर में रहने की हिदायत दे रहे हैं। जानबूझकर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों से चालान काटकर जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। गत दिवस कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7,300 जुर्माना वसूल किया। SDM भारती भारद्वाज कोरोना गाइडलाइन की पालना को निकली सड़कों पर, लोगों को किया पाबंद। धौलपुर से खास खबर। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में धौलपुर उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज बाजार निकलकर आम लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने की हिदायत दी। साथ ही जानबूझकर कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले तथा बेवजह सड़कों पर घूमने वाले के चालान काटे तथा जुर्माना वसूल किया। पत्थरों से मारकर पुलिस कांस्टेबल की हत्या, करौली मंडरायल से दुखद खबर। करौली जिले के थाना मंडरायल के कांस्टेबल गोखले शर्मा गत रात्रि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सब्जी मंडी बाजार पहुंचे, जहां एक दुकान खुली हुई थी, जिसे बंद कराने का प्रयास करने पर वहां बैठे एक बदमाश ने पत्थर मारकर पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा मौके पर पहुंचे तथा बदमाश की धरपकड़ के निर्देश दिए। आज सोमवार सुबह मृत कांस्टेबल का पोस्टमार्टम कर राजकीय सम्मान के साथ उनके शव को गृह जिला भरतपुर भेजा गया। अवैध देसी शराब के 55 पौवे ले जाते एक गिरफ्तार, कंचनपुर से खास खबर। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के द्वारा अवैध शराब बेचने वाले एवं बनाने वालों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत कंचनपुर थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर एक मुलजिम राजू पुत्र भरत सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 55 पौवे अवैध देसी शराब बरामद की गई। राधा स्वामी परिवार के सहयोग से बनाया कोविड केयर सेंटर, जयपुर से खास खबर। सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की कमी के खबरों के बीच एक सुखद खबर है। जयपुर में राधा स्वामी परिवार के सहयोग से राज्य सरकार ने बीलवा प्राकृतिक माहौल के बीच नया कोविड केयर सेंटर तैयार किया है। फिलहाल 500 बेड लगाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर यहां 5,000 से 7,000 बेड लगाए जा सकते हैं। जयपुर से राजेश मीणा की रिपोर्ट। पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण होने से हड़कंप, बसेड़ी से खास खबर। बसेड़ी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव आए 2 थानों के पुलिसकर्मी। थानों में कोरोना संक्रमण फैलने से मचा हड़कंप। नादनपुर थाना में 6 पुलिसकर्मी आए कोरोना पॉजिटिव। वहीं बसेड़ी थाना के 3 पुलिसकर्मी आए कोरोना पॉजिटिव। 2 खाना बनाने वाले कर्मचारी भी आए कोरोना पॉजिटिव। अवैध चंबल रेता निकासी के रास्तों को पुलिस ने JCB से कराया बंद, मरेना से खास खबर। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन थानाधिकारी देहोली द्वारा अवैध चंबल रेता निकासी के संभावित रास्तों जैतपुर घाट, बूढ़ा घाट, शंकरपुर घाट, अडवा पुरानी घाट से निकलने वाले अवैध चंबल रेता के ट्रैक्टरों के रास्तों को चेक किया, जहां रेत माफियाओं ने पिछले दिनों बंद किए गए रास्तों से अलग और रास्ते बना रखे थे, जिन्हें JCB की मदद से बंद करवा दिया गया। एम्बुलेंस एवं शव वाहन की किराया दर जारी, जयपुर से खास खबर। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि वाहन मारुति वैन, मार्सल, मैक्स आदि का किराया प्रति किलोमीटर 12.50 रुपये होगा। टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, राइनो आदि वाहनों का किराया 14.50 रुपये होगा। इसी प्रकार अन्य बड़े एम्बुलेंस अथवा शव वाहन का किराया 17.50 रुपये प्रति किलोमीटर रहेगा। AC वाहनों का 1 रुपये प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देना होगा। आदेश के अनुसार प्रथम 10 किलोमीटर का किराया 500 रुपये आना जाना रहेगा। खराब हैंडपंपों से कैसे बुझे प्यास, ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से गुहार, राजाखेड़ा से खास खबर। उपखंड के जगमोहन का पुरा में ग्रामीण इस भीषण गर्मी में पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से गांव में हैंडपंप लगाए जाने की मांग की है। ग्रामीण पूरन सिंह प्रशांत आदि ने बताया कि उनके गांव में काफी पुराना हैंडपंप लगा हुआ था, जो कई सालों से खराब पड़ा हुआ है। समस्या को लेकर उन्होंने कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण ग्रामीण पीने के पानी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ग्रामीण निजी स्तर पर दूर दराज के ट्यूबवेलों व खेतों से पानी लाकर स्वयं की व पशुओं की प्यास बुझा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस भीषण गर्मी में चलने वाली तेज अंधड़ के कारण
कई दिनों तक ट्यूबवेल की बिजली भी गुल रहती है, जिसके बाद उन्हें पीने के पानी के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन से गांव में हैंडपंप लगाए जाने की मांग की है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदयनिया की रिपोर्ट। सलावट पंचायत में पड़ता है, जहाँ की एक हैंडपंप लगा हुआ था पूरन सिंह और भगवान सिंह चौक में, जो कि 10-12 साल पूर्व लगा हुआ था, जो अब 1-1.5 साल से बहुत खराब है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। हम अपने खेतों पे से ट्यूबवेलों से पानी लाते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारे 12-14 घर हैं जो कि पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। कोविड-19 की रोकथाम को पुलिस मित्रों के साथ की बैठक। कंचनपुर से खास खबर। कोविड महामारी की द्वितीय लहर को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार कम्युनिटी पुलिसिंग में पुलिस के साथ पुलिस मित्रों का सहयोग लिए जाने के लिए एवं लोगों में कोरोना जैसी महामारी के बारे में सचेत करने एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन की जागरूकता के लिए पुलिस एवं पुलिस मित्रों के आपसी समन्वय स्थापित करके लोगों तक अपनी सेवाएं देने को आज थाना कंचनपुर पर पुलिस मित्रों की मीटिंग की गई, जिसमें आने वाले समय में पुलिस मित्रों के सहयोग से थाना इलाके की आम जनता में कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने एवं कोविड की जानकारी जनता तक पहुंचाने की अपील की गई। थाने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनके सहयोग की अपेक्षा के साथ उनके कर्तव्य निर्वहन एवं समन्वय का आह्वान किया गया। प्रशासन की सक्रियता का दिखा असर। सर्वत्रा की प्रमुख खबर। कस्बे में प्रशासन की सक्रियता का रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पूरा असर देखने के लिए मिला। कस्बे में सभी बाजार चौराहे सुनसान नजर आए। बता दें कि लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कस्बे में प्रशासन सक्रिय है। जगह जगह पर आरएसी एवं पुलिस के जवानों के द्वारा निगरानी रखी जा रही है और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी लगातार गश्त की जा रही है। सर्वथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर ने ली निजी चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों की बैठक। धौलपुर से खास खबर। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने निजी चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों की बैठक ली। निजी अस्पताल की आवश्यकता अनुसार तुरंत प्रभाव से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश। नॉन कोविड मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन करेगा हर संभव मदद। जिले में हाई फ्लो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के माध्यम से 2,40,000 लीटर प्रतिदिन ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के अलावा 300 नए डी टाइप सिलेंडर सहित 650 कुल सिलेंडर मौजूद हैं। बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में बेडों की संख्या बढ़ाकर 50 बेड ऑक्सीजन सुविधाओं सहित विकसित करने के दिए निर्देश। बैठक में एडीएम नरेंद्र कुमार वर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल, डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, निजी अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ हमने एक बैठक ली, उनके संचालकों को बुलाया गया और ये जानने का प्रयास किया गया कि उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन गैस की सप्लाई के बारे में सभी को आश्वस्त किया गया है कि जो सप्लाई पूर्व में निजी आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा हो रही है, जिला प्रशासन के माध्यम से सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि उनका कार्य किसी प्रकार से प्रभावित हो। हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी अस्पताल हैं पूर्ण रूप से अपनी सेवाएं देते रहें, क्योंकि नॉन कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट का कार्य किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं। काफी अस्पताल के संचालक थे, उन्होंने अपनी बातें उन्होंने कही हैं और उन सबसे अपने अनुरोध किया है कि अस्पतालों को बंद नहीं करें, अस्पतालों में सेवाएं पूर्ववत यथावत देते रहें, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो उनको अवगत कराएं। सभी अस्पतालों को ये भी हमने आश्वस्त किया है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कमी है उस नहीं आने दी जाएगी, अबाध रूप से उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा, हमने ये भी कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, कोई अति संक्रमित व्यक्ति आता है तो उसको पहले स्टेबलाइज करें, उसको ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर या ऑक्सीजन दें और उसको फिर हमारे जिला अस्पताल या बाड़ी के अस्पताल में भर्ती कराने की कार्रवाई करें। मैं उम्मीद करता हूँ इससे नॉन कोविड के ऐसे पेशेंट जो कि निजी अस्पतालों में अपनी चिकित्सा करा रहे थे उनका चिकित्सीय कार्य प्रभावित नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, इससे जिला अस्पताल और SDH बाड़ी का जो अस्पताल है उन दोनों पर जो लोड है वो भी कम होगा। इन सब के आधार पर ही हम उम्मीद करते हैं अगले एक महीने में जो पीक आने की बात कही जा रही है और जिसमें संक्रमण की दर में इजाफा, संक्रमण के प्रकरणों में इजाफा होने की बात कही जा रही है, उसमें हम धौलपुर में
18 वर्षों से अधिक आयु के लोगों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन। जयपुर से खास खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को लगेगा निशुल्क कोविड वैक्सीन। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की धनराशि गहलोत सरकार करेगी खर्च। निशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया फैसला। अवैध चंबल रेता से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, एक गिरफ्तार। सरमथरा से खास खबर, जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा एवं डीएसपी के निकटतम सुपरविजन में थानाध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर गत दिवस एक अवैध चंबल रेता भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक मुलजिम रामजीत पुत्र बद्री गुर्जर को गिरफ्तार किया। दो ट्रैक्टरों में सीधी भिड़ंत, दो की मौत। धौलपुर सैंपो से खास खबर, गत दिवस दो ट्रैक्टरों में भिड़ंत हो गई। एक ट्रैक्टर में सवार दो लोगों की हुई मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को रखवाया सैंपो चिकित्सालय की मोर्चरी में। सैंपो थाना क्षेत्र के सालेपुर गांव के पास की घटना। राजस्थान महामारी अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों पर धौलपुर पुलिस की कार्यवाही। धौलपुर से खास खबर, जिले में कोविड 19 प्रोटोकॉल की पालना में दिन रात लगाई गई नाकाबंदी में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध विगत 24 घंटे में 407 कार्रवाई कर 80,600 का जुर्माना वसूला गया और 138 वाहनों को भी जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में जिला पुलिस ने पिछले 24 घंटे में जिले भर में मास्क नहीं लगाने पर 41 व्यक्तियों पर 20,500, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 24 व्यक्तियों से 4,800 और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 301 व्यक्तियों पर 31,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी प्रकार इस दौरान एमबी एक्ट में 76 चालान व 138 वाहनों को जब्त करते हुए 25,200 रुपये जुर्माने के वसूल किए गए। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उपखंड के गांव स्वामी का पुरा में लगी आग, नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। बाड़ी से खास खबर, बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के गांव स्वामी का पुरा में अज्ञात कारणों से लगी आग, जिस पर पालिका को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही तुरंत प्रभाव से पालिका फायर ब्रिगेड को भेजा और आग पर काबू पाने में सफल रहे, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। इस दौरान पालिका के फायर ब्रिगेड कर्मी शरीफ खान, सुभाष, मनोज, रविंद्र, सुनील शर्मा आदि कार्मिकों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। बाड़ी से कान्हा शर्मा की रिपोर्ट।